प्लास्टिक मुक्त दुनिया का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी न्यूज़। यहाँ पर आप बायोप्लास्टिक के बारे में जानेंगे, ये कैसे बनाया जाता है और ये सिंथेटिक प्लास्टिक से कैसे अलग है, सब जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पेड़ के गोंद से ऐसी बायोप्लास्टिक विकसित की है जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। सिंथेटिक पॉलीमर से तैयार जिस प्लास्टिक के नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, वही बायोप्लास्टिक महज 20 दिनों में कंपोस्ट में तब्दील होने की क्षमता रखती है। मिट्टी में मिलने के बाद बायोप्लास्टिक मिट्टी की पोषक शक्ति को बढ़ाती है और यह पानी में भी घुलनशील है। और बायोप्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ यह जानवरों के लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। बायोप्लास्टिक तैयार करने वाली डॉक्टर मंजूषा श्रीवास्तव ने बताया है कि जो बाज़ार में बायोप्लास्टिक के नाम पे बिक रहे हैं वो वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं। उन्हें भी वातावरण में अपघटित होने में 90 से 180 दिन लग जाते हैं। वनस्पति आधारित होने के कारण यह पूरी तरीके से प्राकृतिक है और पर्यावरण में पड़े होने पर यह खुद कंपोस्ट हो जाता है। साथ ही इसे बनाने में निकले दूसरे पदार्थ हरित खाद तैयार करने में भी उपयोगी होते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पेड़ पौधों से बना वाटरप्रूफ प्लास्टिक भी जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। और इस बायोप्लास्टिक की खास बात यह है कि ये जलने पर राख में बदल जाता है। ये बायोप्लास्टिक पारदर्शी और अपारदर्शी के साथ ही विभिन्न रंगों में भी तैयार हो सकती है। ये टिकाऊ होने के साथ लचीले भी हैं, जिसका प्रयोग पैकेजिंग, लेमिनेशन, खाद्य सामग्री की पैकेजिंग, मेडिसिन, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में संभव है। फलों की कोटिंग के लिए भी पूर्ण सुरक्षित है। कागज पर कोटिंग करके उसे मजबूती दे सकते हैं, साथ ही इसके कैरी करने बैग भी तैयार किए जा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में कैप्सूल के कवर के लिए भी यह 100% सुरक्षित है। उम्मीद है कि बायोप्लास्टिक मार्केट में जल्द ही उपलब्ध होगा, जिससे कि सिंथेटिक प्लास्टिक के उपयोग खत्म होने से प्लास्टिक को कम नुकसान होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट।